गुड इवनिंग। एसएससी सीजल 2018 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर समाप्त हो चुके हैं और आई होप आपने पेपर बहुत अच्छे से किए होंगे। टॉपिक्स बहुत इजी थे और ये ऐसे टॉपिक्स थे जिन पर अगर आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ है तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो पूछे गए थे, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि मार्किंग का आधार क्या होगा और कितने मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए, जो एसे का टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व। और ये ऐसा टॉपिक था जो कि बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक था, और इस पर अगर आपको थोड़ी भी जानकारी होगी तो बड़े आराम से आप इसको लिख सकते थे। और ऐसे दूसरा जो लेटर था वो भी था कि राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ रेस्टोरेंट कंप्लेनिंग रिगार्डिंग द सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ फूड, यानी एक रेस्टोरेंट के मैनेजर को एक पत्र लिखिए जिसमें उसके द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसकी सेवाओं के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में आपको एक पत्र लिखना था कि उसके जो सर्विस क्वालिटी कैसी है, भोजन की क्वालिटी कैसी है, कैसे वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकता है, क्या कमी है, ये सारी चीज़ें आपको लेटर में मेंशन करनी थी। तो ये ऐसे टॉपिक्स थे जिस पर कि सभी ने जो है बहुत अच्छे से लिखा होगा। तो फिर प्रश्न ये पैदा होता है कि मार्किंग का कैसे होगी, किन बेस पर, किन आधार पर जो है मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और किन बेस पर मार्क्स जो हैं वो कटेंगे या कम मिलेंगे। तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, और जैसा कि आप जानते हैं कि एसे और लेटर राइटिंग में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग का प्रावधान है और हर स्टेप के अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि ग्रामर है और स्पेलिंग, अगर आप ग्रामर पर, व्याकरण पर और स्पेलिंग पर आपकी पकड़ है, ऐसे में और लेटर में आपकी ग्रामर मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें 5 नंबर मिलते हैं इस पे। शब्द सीमा है, 250 शब्द का अगर ऐसे आपसे कहा गया है तो आपको विद इन 250 वर्ड्स यानी 250-55 के आसपास, 45-55 के बीच में आपने अगर लिखा है तो इस पर भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर है कंटेंट क्वालिटी, यानी जो आपने लिखा है उसकी क्वालिटी कैसी है, कंटेंट जो भी है वो टॉपिक से रिलेटेड है या उससे हट करके है या भटकाव हुआ है टॉपिक से, तो इस पर भी मार्किंग होती है। फिर फॉर्मेट की बात आती है, जो फॉर्मेट है आपने उस फॉर्मेट पे लिखा है, उस प्रारूप पे लिखा है या नहीं लिखा है, और स्पेशली ये लेटर में बहुत काउंट करता है प्रारूप, इस पर भी मार्क मिलता है। और नेक्स्ट जो है नीट एंड क्लीन, अगर आपने साफ सुथरा राइटिंग आपकी है और बहुत अच्छे से सजा करके आपने लिखा है तो इस पर भी मार्किंग होती है। और इसके बाद जो है इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस, अगर आपने कहीं पर जो है लेटर के बीच में, ऐसे में स्पेशली लेटर में तो नहीं, ये ऐसे में होता है कि इफेक्टिव सेंटेंसेज, प्रभावी वाक्य, जैसे कि कोई कविता है, कोई श्लोक है, कोई सूक्ति है, कोई कोटेशन है, ये अगर आपने ऐसे में लिखा हुआ है तो इसके भी मार्क्स अलग से मिलते हैं। और इसके बाद ये तो 40 मार्क्स आपके ही, अगर आपने अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखा है तो आपको 35-30-35 नंबर तो आपको इसी में मिल जाएंगे। और इसके बाद 10 मार्क्स जो आते हैं वो रेलेवेंसी पर आते हैं, यानी कि जो टॉपिक दिया गया है आपने जो लिखा है उस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, जो आपने लिखा है वो रिलेटिव है, रिलेवेंट है या नहीं, प्रासंगिक है या नहीं, इस बात के 10 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने बताया है उसके आधार पर बिल्कुल स्पेलिंग का ध्यान रखा है, ग्रामर मिस्टेक नहीं हुई है, शब्द सीमा 250 शब्दों की पूरी है,
कंटेंट क्वालिटी अच्छी है, फॉर्मेट यानी प्रारूप सही है, साफ सुथरा लिखा है, प्रभावी वाक्यों का प्रयोग किया है आपने, सूक्ति कविता श्लोक और क्रमबद्ध रूप से आपने लिखा है, सिस्टमैटिक ढंग से अगर आपने लिखा है तो निश्चित रूप से आपको 30-35 तो आपको इसी के मिल जाएंगे, और प्लस जो आपका रिलेवेंसी है, आपने जो ऐसा लिखा है वो रिलेवेंट है अगर, तो 10 नंबर इसके मिलते हैं, तो इस तरह से आपको 50 नंबर जो है वो कवर होते हैं, और 50 में 40, 42, 45 तक मिलते हैं अगर आपने इन पॉइंट्स का ध्यान रखा हुआ है तो। तो आई होप आपने इन पॉइंट्स का ध्यान रखा होगा और आपने ऐसे अच्छे से लिखा होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपका ऐसे का पेपर कैसा हुआ है, और इस क्राइटेरिया के आधार पर आप आकलन करके ये भी बताएं कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऑलमोस्ट कितने मार्क्स मिलने की संभावना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।